कहा जाता है कि लीडरशिप और मैनेजमेंट में वाज फ़र्क तो मौजूद है और लेकिन एक लीडर मैनेजर भी होता है और एक मैनेजर में लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं इट रियली डिपेंड्स कि किस टाइम पे, कौन सी वाली क्वालिटीज़ को कौन कितना ज़्यादा यूज़ कर रहा है या उसकी पर्सनैलिटी की या उसकी पर्सनल एक प्रैक्टिसिंग uh, बिलीफ uh, जो हैं उसके अंदर कौन सा वाला उनसे ज़्यादा नुमायाँ है अगर तो वो कंट्रोल मॉनिटरिंग अथॉरिटी की तरफ ज़्यादा है सारा वक्त टास्क ओरिएंटेड है तो प्रॉब्बली वो ज़्यादा मैनेजमेंट के ज़मरे में आएगा अगर उसके पास विजन मौजूद है अगर उसके पास पैशन मौजूद है अगर वो पीपल ओरिएंटेड भी है अगर उसके फॉलोअर्स हैं लोगों की ओपिनियन को भी शाम, शामिल करता है और अपनी अथॉरिटी का भी ख्याल रखता है तो फिर वो ज़्यादा लीडरशिप के जमरे में आएगा लीडरशिप स्टाइल में बहुत से ऐसे स्टाइल्स भी हमें देखने को मिलते हैं जिनके मतल के ये आ, उनकी करेक्टरिस्टिक है कि वो मैनेजमेंट थेरीज़ में भी शामिल होते हैं वो वाली अप्रोचेस या वो वाले स्टाइल्स वो लीडरशिप के भी आ, अंदर वो शमूलियत उनकी हमें देखने में मिलती है इन्हीं में से एक ट्रांज़ेक्शनल लीडरशिप या ट्रांज़ेक्शनल स्टाइल है जो कि सबसे पहले नाइनटीन में मैक्स वेबर ने इंट्रोड्यूस करवाया था और उसके बाद में उस पर फ़र्दर रिसर्च की बर्नाड बेस्ट ने इन नाइनटीन में इसके मुताबिक ट्रांजेक्शनल थेरी या जो लीडरशिप स्टाइल है दोनों की रिसर्च में चीज़ ऑबियस है कि ये ज़्यादातर मैनेजर्स के लिए प्रैक्टिसिंग एक टूल है या प्रैक्टिसिंग उनका एक स्टाइल है क्योंकि इसमें वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसी भी मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स के इर्द गिर्द घूमते हुए नज़र आते हैं मैनेजमेंट का जो प्रोसीजर है जो तमाम तर उसका प्रोसेस है उसमें जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें आपको कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का हिस्सा है कंट्रोल करना मैनेजमेंट का हिस्सा होती है ये मैनेजमेंट का खासा है और इसी तरह से ऑर्गेनाइजिंग uh, भी कि किसी चीज़ को तरतीब देना उसको एक ख़ास तरीके से एक स्ट्रक्चर से लेकर चलना ये भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स हैं उनका ही काम होता है लीडर्स का काम लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी एक मिशन एक विजन देना होता है मैनेजर्स का काम उसको ब्रेक uh, डाउन करके स्मॉलर चंक्स में स्मॉल टर्म प्लानिंग करके लेकर चलना उनको ऑर्गेनाइज़ करना उनको मोनीटर करना कंट्रोल करना होता है तो इस वाली लीडरशिप स्टाइल में या इस वाली प्रैक्टिस के स्टाइल में जो ट्रांजेक्शनल के नाम से हम देख रहे हैं इसमें बेसिकली इन्हीं चीज़ों का जिक्र हमें देखने को मिलता है क्योंकि इसमें बेसिकली ये बिलीफ सिस्टम है कि लोगों को उस वक्त आप मोटिवेट कर सकते हैं जब आप उनको रिवॉर्ड्स दें और पनिशमेंट भी दें तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के ज़रिए से आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं गोया के विजन के ऊपर बिलीफ कायम करने के लिए यू आर यूजिंग रिवॉर्ड और पनिशमेंट सो इट्स सेल्फ दे आर नॉट जॉइनिंग विद यू विद हैविंग द बिलीफ इन योर विजन और इन इन द पैशन दे आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ पैशन विच यू हैव एज ए लीडर लेकिन आप रिवॉर्ड या पनिशमेंट के ज़रिए से उनको आप अपने साथ में ला सकते हैं उन्हें कर सकते हैं मोटिवेट कर सकते हैं या डीमोटिवेट कर सकते हैं Uh, दूसरा इसमें स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ पर बहुत ज़्यादा बात है इस भले वे ऑफ़ प्रैक्टिस में जिसमें कहा जाता है कि सोशल सिस्टम्स वर्क बेस्ट विद अ क्लियर चेन ऑफ़ कमांड कि जब भी किसी चीज़ का स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश होता है और उसके अंदर जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है या वे ऑफ कमांड है या हायरिकल सेटअप उसका बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश है कि कहाँ से इंफॉर्मेशन आनी है कहाँ जानी है उसके बाद में क्या स्टेप होना है सो इफ़ ऑल ऑफ दैट इज़ क्लियर तो उसमें सोशल सेटअप्स और ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तौर पर काम करती हैं फिर इसमें यह भी ऑब्वियसली uh, जब आप कंट्रोल की बात कर रहे हैं आप रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात कर रहे हैं इस वे ऑफ वर्किंग में आप इसमें सोशल सेटअप की और कमांड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो ये सारा का सारा करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक बहुत वेल स्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर मौजूद हो तो ट्रांजेक्शनल लीडर्स वर्क थ्रू क्रिएटिंग वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स तो वो दे मेक श्योर दैट दे आर इस्टेब्लिशिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जिसको कि या सिस्टम जिसके तहत के ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यूसली बी मूविंग ऑन सो उसमें एक कंट्रोल का आंसर मॉनिटरिंग का आंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है जब स्ट्रक्चर वो देते हैं तो उनका मकसद क्या होता है कि ये बताना कि क्लियर कट एक और हर जो एम्प्लॉय है उसको ये मालूम हो कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं क्यों उसकी हायरिंग हुई है क्यों वो उस ऑर्गेनाइजेशन में है सो वट इज रिक्वायर्ड ऑफ देर सबॉर्डिनेट्स दे जस्ट मेक इट वेरी क्लियर टू देयर सबॉर्डिनेट्स वट काइंड विल गेट इफ दे आर डूइंग देर जॉब राइट सो विल देर बैटिंग एनी काइंड नॉट और विल देर बी गेटिंग एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट और नॉट समाइम्स द पनिशमेंट्स आर नॉट वेल मैंशनड दे आर नॉट क्लियरली मैंशनड एंड यू नो नॉट फ्रीकुंटली स्टेटेड लेकिन चूंकि स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होता है सो एवरीबडी नोज कि इफ वी आर नॉट डूइंग दिस थिंग इन दैट मैनर ऑटोमेटिकली और इवेंचुअली वी विल गेट दिस काइंड ऑफ पेनल्टी और पनिशमेंट सो इट इज़ अनसेट बट इट इज़ अंडरस्टूड